Welcome back, everybody. Hum badkare hai Perveen Rao ke saath. Perveen Rao has established a school, Amal e Danish, where the fees are just 1 rupee, and it's providing bahut acha education for the children in that area. 1 rupee, sirf 1 rupee. How can you afford to run the school? ये तो खैर बहुत मुश्किल काम है लेकिन बस मेरा शौक इतना था जुनून की हद तक तो मैंने पहले अपना बिजनेस स्टार्ट किया और फिर उसके बाद बच्चों के लिए स्कूल बनाया जब तक 5 साल तक तो मैं 300-350 बच्चों को पढ़ाती थी तो मैं खुद अफोर्ड कर लेती थी लेकिन जो बच्चे बढ़ते गए उनका स्टैंडर्ड बढ़ता गया स्कूल दूसरे बढ़ते गए डिमांड्स बढ़ती गई कंप्यूटर्स भी मैंने देखा था उसमें थे हां डिमांड्स बढ़ती गई तो फिर बस उसने साथी भी मिलाए ओह ग्रेट और ये साथी कौन जस्ट फ्रेंड्स आपके हां फ्रेंड्स भी शामिल हुए जो जानते हैं okay. और जिन्होंने स्कूल देखा तो वो किसी ने वक्ती तौर पे कुछ कर दिया किसी ने मुस्तकिल कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन अभी जारी रखा हुआ है और इस तरह ये चल रहा है अब 2-3 लोग हम कर रहे हैं ठीक है तो इंशाल्लाह यहां भी बहुत सारे फ्रेंड्स आपके हैं एंड द नंबर्स आर ऑन योर स्क्रीन अमले दानिश के लिए डोनेशन देने के लिए प्लीज अगर कोई काम कर रहा है आई थिंक हम हमारी ये कोशिश है कि उनको सपोर्ट करें एंड यू नो यू आर डूइंग अ फैंटास्टिक फैंटास्टिक जॉब थैंक यू जी एंड बच्चे की एज क्या है मैंने हर उम्र के बच्चों को रखा है हाँ उसमें ख्वातीन को बच्चे अगर कह दें आप उसमें मैंने ये किया है कि छोटे जो एज वाइज पढ़ते हैं वो तो ठीक है उन्हें मैं दाखिल कर लेती हूँ उनकी टेस्ट के मुताबिक क्लास और एज के मुताबिक लेकिन कुछ बच्चे जैसे वो किसी वजह से सिटी चेंज किया या किसी पैसे नहीं थे 2 साल नहीं पढ़ सके तो उनका क्या होता है उनको दूसरे स्कूल दाखिल नहीं करते अब उनके पास पैसे हैं लेकिन स्कूल दाखिल नहीं कर रहा कि आपकी उम्र गुजर गई है बड़े हैं हम आपको छोटी क्लास में कैसे डालें हाँ। मैंने उनके लिए ये किया कि एक तेज रफ्त स्कूल बना दिया पहले स्कूल में एक ट्यूशन रूम बनाया उसमें उनको एक एक साल में 3-3 जमातें करवाई या 1 साल में 1 साल का कोर्स 3 महीने में पढ़ा दिया ठीक है तो वो तो बड़े होते हैं ना वो जल्दी कर लेते हैं फिर उनको फिर 3 महीने बाद दूसरी क्लास का करवा दिया तो इस तरह हमने करते करते ये डिस्कवर किया कि हम एक तेज रफ्त स्कूल ही बना सकते हैं क्योंकि इर्द गिर्द बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे और वो कर जाते कैचअप कर जाते जो करना चाहते हैं ये बहुत जरूरी है ये बहुत जरूरी है क्योंकि मेरी कोशिश ये होती कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उन्हें ही पढ़ाया जाए जो पढ़ना नहीं चाहते वो प्रैक्टिकल कोई काम सीखना चाहते हैं तो मैं उन्हें कहती हूँ कि अच्छा ठीक है तुम ये बिजली का काम सीख लो थोड़ा सा पढ़ लो बिजली का काम सीखने के लिए तुम्हें ये पढ़ना तो पड़ेगा ना ये सॉकेट क्या है तो मैं एक किस्म की करियर काउंसलिंग भी हो रही है जी 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 उसके बगैर तो नहीं चल सकता ना जब तक हम बच्चों को ये नहीं बताएं कि अगर आपको नहीं पढ़ना कुछ और नहीं बनना तो कुछ तो करना है ना तो वो छोटे छोटे काम में बहुत खुश होते हैं कि हाँ मैं तो मकान बनाने सीखूंगा मैं लेबर करूंगा ये इंजीनियरिंग करूंगा इंजीनियरिंग लफ्ज नहीं आता उसे वो कहता है कि मैं मेसन बनूंगा तो मैं कहती हूँ ठीक है लेकिन उसके लिए भी थोड़ा सा हिसाब किताब करने के लिए तुम्हें आना चाहिए तो पढ़ लेते हैं आप ये बात कर रही थी तेज रफ्त की और जब आपका पैम्फलेट भी देखा जाता है तो आप एक चौमुखा मॉडल की बात करती हैं 4-डाइमेंशनल मॉडल इसका क्या मतलब है किरण मैंने एक इस स्कूल को एक मॉडल के तौर पर डेवलप किया है 12-13 बरस में मेरा ख्याल ये था कि हम जब ये कहते हैं कि हुकूमत जो है वो एजुकेशन को प्रमोट करे तो हुकूमत के पास बहुत बड़ी मशीनरी है तो बड़ी मशीनरी जो है वो बड़े काम कर सकती है लेकिन छोटे पैमाने पे बिल्कुल बारीकी से देखना कि कैसे काम किया जाए ये उनके पास वक्त और सिचुएशन नहीं है मैंने कहा था कि मैं उस इलाके में रहूं जाऊं काम करूं और मैं ये देखूं कि उनके डिमांड क्या है और उन्हें हैंडल कैसे करना है और एजुकेशन को किस अंदाज से बनाना चाहिए कि 10 साल के लिए एक मॉडल जो है वो ऐसा बना दिया जाए कि 10 साल में वो उस एरिया की एजुकेशन को कम से कम 80% कर दे इस पे मैंने काम किया तो इसके 4 डायमेंशंस निकले उसको मैं चौमुखा मॉडल कहती हूँ पहला तो ये है कि जी
लोग पैसा नहीं अफोर्ड कर सकते, तो एक रुपया महीना फीस पे पढ़ा दीजिए, रेगुलर इंग्लिश मीडियम बना दीजिए, वो बना दिया. दूसरा ये होता है कि हमारे यहाँ कितने ही लाखों बच्चे निकल आएंगे जो अपनी एज से आगे निकल गए, ना वो बच्चे हैं ना बड़े हैं और अभी पढ़ सकते हैं. उनके लिए एक स्कूल बना दिया कि वो आए, एक साल में तीन जमातें करें, फिर एक साल में करें, तेज रफ्त बना दिया उनके लिए. जी, उसके लिए तेज रफ्त स्कूल बना दिया. वो दो साल में या तीन साल में अपनी रेगुलर एज के मुताबिक रेगुलर स्कूल में चले जाएंगे और वो अपनी एजुकेशन ठीक है. तीसरा है एडल्ट एजुकेशन, कि खवातीन से पूछो कि बच्चा कितनी उम्र का है, तो कहती हैं कि कब पैदा हुआ, हमें तो डेट ऑफ बर्थ चाहिए होती स्कूल में. वो जब बड़ा सैलाब आया था प्रॉब्लम हो जाती होगी. हमें क्या पता कौन से कितने तो सैलाब आए थे, तो कैसे. उसके लिए फिर मैंने एक किताब लिखी. राइट. बच्चों को मैंने जब पढ़ा, खवातीन को कहा कि आप एक कायदा पढ़ें, तो उन्होंने कहा कि पढ़ने को तो तैयार थी, पढ़ना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे जो हैं वो हमारा मजाक उड़ाते हैं कि अम्मा भी कायदा पढ़ रही है. मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं आपके लिए किताब लिखती हूँ. तो दिस बुक इज फॉर मदर्स आल्सो एंड चिल्ड्रन आल्सो. ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आप रोजमर्रा की माँ खबर, रोजमर्रा वाली चंद जरूरी मालूमात, इसमें बच्चों के नाम, वालदा को बताया गया है कि वो अपना नाम सीखे, अपने शनाख्ती कार्ड नंबर सीखे, अपने बच्चे की उम्र बताना सीखे, उसके अलावा दिनों के नाम हैं, इलाकों के नाम हैं और बस नंबर्स हैं इसमें. जबरदस्त. सबसे ज्यादा जरूरी मुझे ये किताब चाहिए. हाँ, ये आपके काम आएगी. बिल्कुल काम आएगी. बिल्कुल. क्योंकि ये शॉर्टकट है, आप फौरी तौर पे प्रैक्टिकल हो जाएंगे. बस पे सवार होना है या टैक्सी लेना है या आपको किसी इलाके का हॉस्पिटल का नाम उर्दू में पढ़ना है तो आप फौरी पढ़ सकेंगे. अच्छा. बाजारों के नाम भी हैं इसमें. और ये सब मैंने किया कि खवातीन जो हैं वो अपनी जो बेसिक उनकी जरूरत है उसको पढ़े और उनको ये लगे कि ये मेरे स्टैंडर्ड की बुक है. तो वो एडल्ट अब वो पढ़ती हैं, अब उनको प्रॉब्लम नहीं होता और फौरी तौर पे उनके मसले हल हो जाते हैं. वरना कोई बस स्टॉप पे खड़ी है कि हॉस्पिटल जाना था, देर हो गई, किसी ने बस का नाम नहीं पढ़ के सुनाया और वो वापस घर आ गई. वो एक्चुअली उनको मैंने वापस घर ड्रॉप किया था तो मुझे आइडिया मिला था कि मैं ऐसा मटेरियल इनके लिए तैयार करूं. Okay, we're going to have to take a short break right now. Lekin break ke baad, we'll be back with Perveen. And aapka calls, aapka SMSs, you can call Abhi on 021-225-4721. Aapka sawal Perveen ke liye, please do call. Break ke baad.